Okay, hola guys. Hope you guys are doing very good at your home, staying safe and maintaining social distancing. In this video, I will be discussing some features of Assassin's Creed Valhalla. First of all, I would like to say that the trailer of the video was awesome. It was just amazing, and I couldn't wait to play the game. There are a lot of information about this game throughout the internet and YouTube, and they all are in English, but this video I'm going to do it in Hindi. So let's begin. So talking about the setting of the games, this game, oh sorry, Hindi, okay. ये गेम असैसिन्स क्रीड वालहाला 9th सेंचुरी के ऊपर बेस करके एक गेम है, जिस टाइम पे वाइकिंग्स और एंग्लो सैक्सन्स के बीच में लड़ाई थी। वाइकिंग्स अटैक किए थे सैक्सन्स पर, तो ये उस टाइम का गेम है। उस टाइम पे इंग्लैंड यूनाइटेड नहीं था, डिवाइडेड था। और अभी आप जिसको स्क्रीन पे देख रहे हैं वो अल्फ्रेड है, वेसेक्स के किंग थे वो, और मे बी शायद इस गेम में वो मेन एंटागोनिस्ट होंगे। मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इस गेम में एक ट्विस्ट होगा कहीं पे भी, जो ट्रेलर में भी शो नहीं कर रहा है। टेम्पलर्स का जो ट्विस्ट हो सकता है, जैसे कि असासिन्स हैं तो टेम्पलर्स भी होंगे ही। सो देखते हैं, वो आगे पता चलेगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हमारे हीरो की, प्रोटागनिस्ट की। तो जैसे हम ट्रेलर में देखे हैं, वो एक शानदार लुक्स लेके आ रहा है, और ये जो आइवोर है जो इसका एंड प्रोटागोनिस्ट है, तो ये पिछले गेम की तरह दो वर्सन में नहीं है, मेल और फीमेल वर्सन में नहीं है, ये एक ही वर्सन है, एक ही आइवोर है। लेकिन उस आइवोर को ही आप मेल फीमेल दोनों की साइड में खेल सकते हो, मतलब आइवोर का आप मेल में भी खेल सकते हो तो फीमेल में भी खेल सकते हो। और उसका कस्टमाइजेबल सारा कुछ है, उसका बियर्ड है, हेयरस्टाइल, टैटूज वगैरह, वो सब कस्टमाइजेबल है, तो वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे अगर प्रेजेंट डे पे, तो प्रेजेंट डे में लैला हसन, जो लैला हसन और हसन हसन जो भी थे ओडिसी में, तो वो आ रही है, और मे बी शायद वो थोड़ा डेवलप होके आएगी क्योंकि पिछले गेम में वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। अभी बात करें हम सेटलमेंट की, जैसे कि वाइकिंग्स है वो जहाँ पे रेड करते हैं तो वो एरिया वो कर देते हैं, वो अपना सेटलमेंट डेवलप करते हैं, अपना विलेज बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं, शॉप्स बनाते हैं, और उस शॉप्स में वैरायटीज ऑफ चीज़ें भी मिलेगी जो आगे चल के गेम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एक अच्छा चीज़ इसमें है कि एक नया चीज़ बोल सकते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ डिपेंड करता है चॉइस और कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। जैसे कि सपोज आप किसी दूसरे प्लान दूसरे क्लान के मेंबर के साथ शादी करते हो तो आपका दोनों क्लान जुड़ जाएगा, उसी के हिसाब से आपको वार वगैरह में वो हेल्प करेगा। और रही बात अगर आप गलत लेते हो तो वो भी आपके फ्यूचर गेम पे वो अफेक्ट। अगर हम मैप की बात करें तो इस बहुत सारे रूमर उठे थे कि इस गेम का मैप बहुत ही छोटा है, ओडिसी से छोटा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गेम का मैप शानदार है और ओडिसी से बड़ा मैप है, ऐसा कंफर्मेशन हुआ है। अभी इस मैप में एक्चुअली 4 मेन किंगडम दिखाए जाएंगे, वेसेक्स, नॉर्थ एम्ब्रिया, ईस्ट एंग्लिया और मर्सिया। नॉर्वे तो है ही, उसके साथ में छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम्स भी दिखाए जाएंगे जिसके ऊपर हम रेड कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं और उसे पॉसिबली उसके फोर्ट वगैरह को अपना बना सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें एक्चुअली नंबर गेम्स नहीं है। नंबर गेम्स मतलब जैसे कि हमारा पहले गेम्स में था कि अगर आपका लेवल अप होता है तभी जाके आप ज़्यादा हाई भी लड़ सकते हो, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड करती है आपकी स्किल लेवल अप, मतलब आपके स्किल, आपके फाइटिंग स्किल्स कितने डेवलप हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये गेम। तो आपको लेवल अप होने से पहले अपने स्किल्स को पहले ज़्यादा एम्पावर करना पड़ेगा, तब जाके आप इस गेम में अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। ओडिसी में एक जो मुझे अच्छा नहीं लगा था पर्सनली, वो ये था कि आपको कंपलसरी कुछ साइड मिशंस रहते थे कंप्लीट करने, तभी जाके आप मेन मिशन में आगे जा सकते हो। लेकिन इस यूबीसॉफ्ट की तरफ से अभी असासिन्स क्रीड वालहला में आपका मेन गेम अलग लाइन में है और आपका जो साइड मिशन है वो अलग लाइन में, आप जिसे चाहें वो खेल सकते हैं। कॉम्बैट के देखे तो आप जैसे कि ट्रेलर में देख सकते हैं, कॉम्बैट एकदम शानदार है। इसमें सारे आइटम डबल हैंडेड में आप यूज़ कर सकते हैं, इवन शील्ड भी आप दोनों हैंड में यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ सुपर ऑसम। और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप हर आइटम को अपग्रेड कर सकते हो, हर आइटम में आप कुछ ना कुछ एक ज्वेल लगा सकते हो। मे भी शायद वो ज्वेल आपको कहीं स्पेशल लोकेशन से मिले तो वो आप लगा सकते हो।
नावल कंबट के बारे में बात करें तो इस गेम में नावल कंबट ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि वो जो लॉन्ग शिप्स हैं वो मेनली यूज़ होंगे ट्रैवल के पर्पज़ से, तो वो ट्रैवल के पर्पज़ से मेनली यूज़ होंगे लॉन्ग शिप्स। अभी जो वहाँ पे ट्रैवल जो हम बात कर रहे हैं इसके, ये गेम कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होगा, तो मेनली स्टोर और यूप्ले पे अवेलेबल होगा, और स्टीम पे ये गेम नहीं आ रहा है। और एक चीज़ है, ये गेम एक्चुअली आपका एक ऑफर के साथ है जो कि स्मार्ट डिलीवरी अवेलेबल है, तो इसका मतलब आप अगर PS4 अभी यूज़ कर रहे हो और PS5 का गेम खरीद रहे हो तो आपको PS4 के गेम के साथ PS5 का भी इस गेम का वर्शन मिल जाएगा, सेमली एक्सबॉक्स के साथ भी होगा। और अभी हम वीपन देखें तो इसमें काफ़ी सारे पुराने वीपन्स वापस आए हैं, जिसमें कि एक्सेस है, शील्ड्स है, ब्लेड्स है, और मेनली इम्पोर्टेंट है इसका हिडन, जो कि इसमें हिडन नहीं है क्योंकि वो रिस्ट के ऊपर पहना है, ये इम्पोर्टेंट है जो वापस आ रहा है इस गेम में, और काफ़ी कूल लग रहा है एक्चुअली ये वाला। तो मुझे तो ट्रेलर से और इसका जो भी आगे आ रहा है तो उससे मुझे काफ़ी वेट करना पड़ रहा है इस गेम के लिए, लेकिन आई एम ईगर, क्योंकि July 7th में इसका एक लॉन्च ट्रेलर शायद आएगा जो कि गेम प्ले का लॉन्च होगा, तो लेट्स फिंगर क्रॉस्ड। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई होप यू गाइज एंजॉय इट। गुड नाइट, टेक केयर।